उत्तर प्रदेश के कानपुर देहात में बीती रात हिस्ट्री सीटर विकास दुबे को पकड़ने गई पुलिस टीम पर घात लगाकर हुए हमले में 8 पुलिसकर्मियों के शहीद होने के बाद योगी सरकार विपक्ष के निशाने पर आ गई है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने कहा है कि बदमाशों को पकड़ने गई पुलिस पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी गई, जिसमें यूपी पुलिस के सीओ एसओ सहित 8 जवान शहीद हो गए। यूपी पुलिस के इन शहीदों के परिजनों के साथ मेरी शोक संवेदनाएं। यूपी में कानून व्यवस्था बेहद बिगड़ चुकी है, अपराधी बेखौफ हैं, आम जन पुलिस तक सुरक्षित नहीं है। प्रियंका गांधी ने आगे कहा है कि कानून व्यवस्था का जिम्मा खुद सीएम के पास है। इतनी भयावह घटना के बाद उन्हें सख्त कार्रवाई करनी चाहिए, कोई भी ढिलाई नहीं होनी चाहिए। प्रियंका गांधी के अलावा कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी योगी सरकार को घेरते हुए कहा कि यूपी में गुंडा राज का एक और प्रमाण, जब पुलिस सुरक्षित नहीं तो जनता कैसे होगी। राहुल गांधी ने कहा कि मेरी शोक संवेदनाएं मारे गए वीर शहीदों के परिजनों के साथ है और मैं घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना करता हूं। चीन से बॉर्डर पर जारी तनाव के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार सुबह लेह पहुंचे। प्रधानमंत्री का यह दौरा अचानक था। पीएम मोदी के साथ सीडीएस विपिन रावत के अलावा सेना प्रमुख एमएम नरवणे भी लेह में मौजूद हैं। यहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सेना वायुसेना के अधिकारियों ने जमीनी हकीकत की जानकारी दी। पीएम मोदी ने सेना वायुसेना के अफसरों से सीधे संवाद भी की। मई महीने से ही चीन के साथ बॉर्डर पर तनाव की स्थिति बनी हुई है। आपको बता दें, पिछले 2 महीने में चीन के साथ सैन्य और डिप्लोमेटिक स्तर पर कई लेवल की बात हो चुकी है, जिसमें माहौल को शांत करने की कोशिश की गई। हालांकि इसमें अभी तक कोई ठोस निर्णय नहीं लिया गया। देश में तेजी से बढ़ रहे कोरोना वायरस संक्रमण ने थोड़ी राहत देने के बाद आज बड़ी छलांग लगाई है। देश में पहली बार एक दिन में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 21,000 के करीब पहुंच गई। स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटे में कोरोना के 20,903 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 379 मरीजों की मौत हो गई है। नए मामले सामने आने के साथ ही देश में कोरोना से संक्रमित मरीजों की संख्या 6,25,544 हो गई है। कोरोना से मरने वालों की संख्या 18,218 हो गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक देश में कोरोना के अब 2,27,439 एक्टिव केस हैं। कोरोना महामारी से अब तक 18,213 मरीजों की मौत हो गई है और 3,79,891 लोग ठीक हो चुके हैं। मशहूर कोरियोग्राफर सरोज खान ने 71 साल की उम्र में दुनिया को अलविदा कह दिया है। सरोज खान ने शुक्रवार को मुंबई के अस्पताल में आखिरी सांस ली। वे 20 जून को सांस लेने में तकलीफ की शिकायत के बाद अस्पताल में भर्ती हुई थी। सरोज खान को शुक्रवार सुबह मलाड के कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक कर दिया गया। सरोज खान को आखिरी विदाई देने के लिए उनके परिवार वाले और कुछ रिश्तेदार ही मौजूद थे। मुंबई शहर में कोरोना वायरस के कहर के चलते सरोज खान को सुबह सुबह ही बिना देर किए सुपुर्द खाक कर दिया गया। पुलिस ने सरोज खान की फैमिली को आदेश दिया था कि अंतिम विदाई में 50 से ज्यादा लोग शामिल नहीं होंगे।